लक्सर सबस्टेशन क्षेत्र के ग्राम सीधडू में शनिवार को रामकली पत्नी हुकम सिंह 60 घर के कार्य हेतु छत पर गई थी। उसी छत के ऊपर हाईटेंशन लाइन का तार गया हुआ है। छत पर रामकली का सर बिजली के तार से छुआ, वैसे ही तारों में पहले से ही प्रभावित हो रहे विद्युत कट ने रामकली पत्नी हुकम सिंह को अपने चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उस समय मौके पर मौजूद गांव के लोगों ने बताया कि इस जगह पर ऊपर से गई 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार बार बार टूट कर गिरता रहता है, जिसकी शिकायत कई बार संबंधित विभाग से की गई है। गांव वालों के अनुसार इसी जगह के बिजली के तार हटाने को विद्युत विभाग को कई बार सूचना दी गई है, परंतु बिजली विभाग ग्रामवासियों की इस शिकायत को नजरअंदाज करता रहा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अब देखना यह है कि बिजली विभाग अब भी चेतेगा या फिर किसी नई दुर्घटना का इंतजार करेगा। घटना स्थल पर मौजूद रहे पुलिस के आला अधिकारी, जैसे ही 11,000 वोल्टेज के विद्युत कट से बुजुर्ग रामकली की मृत्यु की सूचना क्षेत्र में फैली, पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर कपड़े फलान गई, उसकी मौत होगी तारों में बिजली की। दादी जी छत पर लकड़ी डालने के लिए गई थी, तो 11,000 की लाइन के ऊपर से तार जा रहे, तो उस करंट लगने से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। हमने कई बार बिजली विभाग को इसकी लिखित में वो भी दी एप्लीकेशन, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को भी दी लिखित में, कोई भी कार्रवाई नहीं। बिजली अधिकारी यहाँ मौके पर आते नहीं।